हेलो एवरीवन वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ फार्मेसी जंक्शन आज के इस वीडियो में हम लोग वी सैक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वी सैक्स जो कि हमारा फार्मास्यूटिकल एड्स कैटेगरी का एक क्रूड ड्रग है तो सबसे पहले देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है फार्मास्यूटिकल एड्स को हम लोग फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स या फिर फार्मास्यूटिकल एक्सपियंट्स के नाम से भी जानते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स आर द दबस्टांसेस विच हैव नो और लिटिल फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बट दे आर एसेंशियली in इन preparation ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म फार्मास्यूटिकल एड्स वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका कि अपना या तो बिल्कुल नहीं या फिर थोड़े बहुत अमाउंट में फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट रहता है हमारी बॉडी के अंदर पर ये एसेंशियली फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म बनाने में यूज़ किया जाता है दे आर एडेड इन टू द प्रिपरेशन टू प्रो प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम केमिकल चेंज और माइक्रोवियल कॉन्टामिनेशन ये जो है फार्मास्यूटिकल एड ये हमारे फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म जैसे कि टैबलेट हो गया कैप्सूल हो गया इनमें इसी लिएड किए जाते हैं ताकि उनमें किसी भी टाइप का केमिकल चेंज ना हो पाए और ना ही माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन उसमें हो पाए दे मे बी प्लांट एनिमल मिनरल और सिंथेटिक सोर्सेज फार्मास्यूटिकल एड्स हमारा प्लांट से भी ऑपटेंट किया जाता है एनिमल से भी ऑपटेंट किया जाता है मिनरल्स से भी ऑप्टेंट किया जाता है और ये हमारा सिंथेटिकली भी ऑप्टेंट किया जाता है प्लांट सोर्सेज की बात करें तो प्लांट से हमें आकाशिया और ट्रगाकांत मिलता है एनिमल्स में हमें विसवैक्स मिलता है मिनरल्स में मिनरल से हमें क्योलिन मिलता है सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग विस वैक्स क्या होता है विस वैक्स का जो सिनोनेम है वह है वाइट वीस वैक्स येलो वीस वैक्स सेरा अलवा और सरा फ्लेवा ये इसका सिनोनेम है नेक्स्ट देख लेते हैं इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है मतलब कि ये कैसे ऑप्टेंट किया जाता है इट इज़ ऑप्टेंड फ्राम द हनी कॉम्ब ऑफ द बीस एपिस मेलिफेरा एंड अदर इस्पीसी ऑफ एपिस लाइक एपिस डोरसाटा विच बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ एपी एडे बीस वैक्स जो है वह हमें हनी कॉम्ब यानी कि मधुमक्खी का छत्ता से मिलता है एपिस मेलीफेरा नाम का एक हमारा बीस होता है इसका कि जो हनीकॉम है उससे हमें ये बीस वैक्स मिलता है हनीकॉम यानी कि मधुमक्खी का छत्ता जो कि एपीएडे फैमिली से है ये तो हो गया बीस वैक्स का बायोलिकल सोर्स नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्सिट्यूट्स प्रेजेंट रहते हैं वैक्स में मायरिसिन सेरोटिक एसिड मेलेसिक एसिड और सेरोलिन नाम का केमिकल कॉन्सट्यूंट्स पाया जाता है ये तो हो गया सर केमिकल कॉन्सट्यूंट्स नेक्स्ट देख लेते हैं वैक्स के क्या क्या यूजेस है इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स, प्लास्टर्स एंड पॉलिशेस विस वैक्स का यूज़ हम लोग ऑइंटमेंट प्लास्टर्स और पॉलिशेस के प्रिपरेशन के लिए करते हैं इट इज़ अल्सो यूज इन द मैनुफैक्चरिंग ऑफ कैंडल्स कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लाइक लिबिस्टिक फेस क्रीम ई टी सी इसका यूज़ हम लोग कैंडल्स इसके अलावा बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि लिपस्टिक्स और फेस क्रीम के मैन्युफैक्चरिंग में भी करते हैं ये तो हो गया विस वैक्स का सिनोनिम बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स और उसका इंपॉर्टेंट यूजेस अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें